यू सर के इस स्टूडियो में मैं डॉक्टर ओम प्रकाश नौटियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पे हमारे बीच प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री प्रोफेसर जीसी जोशी सर हमारे बीच पधारे हुए हैं। आज हम अपने बीएससी के स्टूडेंट्स को ऑप्टिक्स के बारे में सर के माध्यम से कुछ नई चीज बताना चाहेंगे जो कि उनके कोर्स से रिलेटेड होगी। मैं सर का परिचय देना चाहूंगा। आप लगभग 38 साल से भी ऊपर आपने एचएनबी गढ़वाल जो आप केंद्रीय विश्वविद्यालय है वहां पे प्रोफेसर के रूप में भौतिक विज्ञान विभाग में आपने एक अद्वितीय कार्य किए हैं। उसके अलावा आप डीएसटी में भी जो डीएसटी के मार्फत कुमाऊं यूनिवर्सिटी में आप प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर के पद पे आप रहे हैं। आपने जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई है वहाँ पे भी विजिटिंग एसोसिएट के रूप में आपने सेवाएं दी हैं। आपके ये लगभग 100 से ऊपर जो शोध पत्र हैं वो विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं और आपके 11 से भी ऊपर स्टूडेंट्स आपके अंडर में शोधरत रहे हैं, शोध कर चुके हैं और आप एक जो है इस प्रदेश के लिए सदैव से ही भौतिक विज्ञान को प्रदेश के दूरस्थ स्थानों तक पहुंचाने के लिए आप प्रयासरत रहे हैं और यूसर के जितने भी प्रोग्राम होते हैं प्रोफेसर जोशी साहब उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। आपकी भी मंशा वही है कि हमारे जो छात्र हैं जिनको जो शिक्षा सुगम रूप से नहीं मिल पाती है उनको भी भौतिक विज्ञान जैसे जो है टफ जो सब्जेक्ट माना जाता है उसकी शिक्षा कैसे पहुंचाएं उसके लिए आप सदैव प्रयासरत हैं। और मैं सर से चाहूंगा कि आप जो है आज इंटरफेरेंस पे ऑफिस के बारे में कुछ बताएं। आपका स्वागत करता हूं सर। और आप जो है धन्यवाद डॉक्टर नौटियाल। मैं काफी समय तक गढ़वाल विश्वविद्यालय में ऑप्टिक्स पढ़ाता रहा और उसी के संदर्भ में मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक छात्र इस को देखें ताकि जो कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान मैं उनको अपने इस लेक्चर के माध्यम से दे सकता हूँ मैं उन्हें प्रदान कर सकूँ। मेरा टॉपिक है ऑप्टिक्स जो कि बीएससी में पढ़ाया जाता है सेकंड ईयर में ज़्यादातर और इसके जो तो ये जो भी इसमें 8 लेक्चर करीब मेरे प्रपोज्ड हैं जो कि बीएससी के सिलेबस के अनुरूप होंगे। इन टॉपिक्स में पहला है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, दूसरा है डिफ्रेक्शन, तीसरा पोलराइजेशन और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। मैं अपने लेक्चर को शुरुआत करता हूँ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से। टेक्स्ट बुक्स जो कि बीएससी के लिए मैं रिकमेंड करूँगा एक तो है ऑप्टिक्स बीके बाई बीके माथुर जो कि 1960s से अब तक भी रेलिवेंट है जितनी पहले थी और इसी की तरीके की दूसरी एक जनरल बुक है सुब्रमण्यम ड्रिजला। अगर डीपी खंडेलवाल की लिखी बुक एक इन डेप्थ इनसाइट शो करती है और इसमें काफ़ी चैप्टर्स और काफ़ी टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि उसको ऑप्टिक्स के बारे में कुछ ज़्यादा सोचते हुए मजबूर करते हैं। नई बुक है ऑप्टिक्स बाय हेस्ट जिसमें कि आज तक की जितने भी लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑप्टिक्स में हो रहे हैं उनके बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है और इसी प्रकार डॉक्टर अजय घटक की लिखी हुई बुक ऑप्टिक्स भी काफ़ी डिटेल में इस सब्जेक्ट को बताती है। शुरुआत करता हूँ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से। इंटरफेरेंस जैसा कि इसका टाइटल बताता है एक व्यतिकरण आपस में डिस्टर्ब करना है एक दूसरे को, ये वो प्रोसेस है। नॉर्मली लाइट वेव के फॉर्म में है
या लाइट पार्टिकल्स के फॉर्म में है, इस पर बहस न्यूटन के था, वो वापस उसी को चलाओ, अभी उसी सेट को चलाओ। न्यूटन का मानना था कि लाइट जो है वो पार्टिकल फॉर्म में है, स्ट्रेट लाइंस में ट्रेवल करती है और सरफेस से टकरा के पार्टिकल्स लौटते हैं जिससे रिफ्लेक्शन होता है, और जब पार्टिकल एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करते हैं तो उससे रिफ्लेक्शन होता है, जिस इनका प्रोपोगेशन जो होता है वो सीधी रेखाओं में होता है, विच इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। उसी समय दूसरे इसके जो वेव थ्योरी कि लाइट एक तरंग के फॉर्म में है, तरंग एक एनर्जी है जिसको वेव कहते हैं, वेव की बाय डेफिनेशन है वेव इज ए पीरियडिक मोशन, पीरियडिक मींस जो कि रिपीट करता है समय के साथ साथ। और जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं पानी में तरंगों का, जैसे चित्र में दिखाया गया है, अगर मान लिया पानी में एक पत्थर डाला जाए या कोई इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर से पानी में उसको वाइब्रेट किया जाए तो उसमें तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो हम जैसे इसके ऊपरी हिस्से में देख सकते हैं कि तरंगें फैल रही हैं और ये समय के साथ साथ आगे बढ़ती हैं। पार्टिकल्स अपनी जगह पर ऊपर नीचे होते रहते हैं, एनर्जी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाती है, तो वेव के फॉर्म में जो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पर आगे बढ़ेगी तो हमें जो इसका मोशन हो सो होगा वो पार्टिकल्स के डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में दिखाई देता है। अब इस एग्जांपल में हम ये देखते हैं कि अगर मान लिया सिर्फ एक ही वाइब्रेटर होता तो ये तरंग के फॉर्म में आगे बढ़ती, एक जिनको कि हम सर्कुलर मोशन एक सर्कल्स अलग अलग तरंगों के सर्कल्स के फॉर्म में देख सकते हैं। माना कि एक ही जगह पर दो वाइब्रेटर्स हैं एक दूसरे के आसपास और दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी से एक ही आवृत्ति से वाइब्रेट करते हैं, तो उस केस में आप देखेंगे कि तरंगों का जो रूप होगा वो बिल्कुल बदल जाएगा। हम देखेंगे कि जहाँ पर ये वेव्स एक दूसरे से टकराती हैं और एक दूसरे को काटती हैं वहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स ऐसे मिलते हैं जो कि जहाँ पर पानी काफ़ी ऊपर होगा और कुछ पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जहाँ पर पानी काफ़ी नीचे होगा। अब ये एक सर्कल के फॉर्म में नहीं होंगे बल्कि बिंदुओं के रूप में होंगे और ये बिंदु एक जगह से दूसरी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऐसे फैलते चले जाएंगे। ये होता है व्यतिकरण के कारण, ये मैकेनिकल वाइब्रेशंस के केस में ये हम देखते हैं। इसी प्रकार अगर प्रकाश को भी देखा जाए तो प्रकाश भी इसी प्रकार हमें इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले 1801 में थॉमस यंग द्वारा प्रकाश के व्यतिकरण या इंटरफेरेंस को प्रदर्शित किया गया। यंग के एक्सपेरिमेंट में सूर्य के प्रकाश को एक स्लिट S0 से पास किया गया जो कि उसके सामने दो नैरो स्लिट्स S1 और S2 जो कि एक दूसरे से कुछ दूरी पर थी, इनकी इन पर ये प्रकाश आपतित हुआ और इस को सूर्य के प्रकाश को एक एक कमरे में पास किया गया था इसके लिए, और जब सामने की दीवार पर देखा गया तो प्रकाश का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो इन दो स्लिटों के से अगर प्रकाश गुजरा होता तो हमें सिर्फ दो पॉइंट्स पर या दो बिंदुओं पर प्रकाश दिखाई देता, ऐसा न हो कि हमें इसमें मैक्सिमा और मिनिमा मिलते हैं, मतलब उच्च इंटेंसिटी के और कम इंटेंसिटी के पॉइंट्स मिलते हैं या लाइनें मिलती हैं, और इनको इसे हम कहते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। तो ये सबसे पहले 1801 में थॉमस यंग के द्वारा देखा गया था। थॉमस यंग डिमॉन्स्ट्रेटेड द वेव नेचर ऑफ लाइट बाय शोइंग दैट इट
produced interference effects. He measured average lambda of sunlight to be 570 nanometers. Means light ki wavelength, hum light ko agar wave maane, to light ki ek wavelength hogi. Wavelength, avrti aur light ki velocity mein jo sambandh hoga, usse hum samanya tarike se kehte hain C is equal to nu lambda. To ab wavelength naapne ka koi tarika nahi hota, kyunki nahi tha pehle, kyunki wavelength kaafi light ki wavelength bahut choti hoti hai, kareeb 10 to the power minus 5 cm lambai ki. To iske liye isko sabse pehle Young ne interference vidhi se napa tha. यंग के एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, जो बीच में जो पट्टियां दिखाई दे रही हैं सफेद सी, ये पट्टियां जो इंटरफेरेंस पैटर्न दीवार पर दिखाई देता है उसका प्रतिरूप है, और ये बताता है कि हमें यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन न मिलके और सिर्फ दो जगह पर इल्यूमिनेशन न मिलके एक पूरी पट्टिका के फॉर्म में मिलता है, पट्टिका के फॉर्म में मिलता है. और इसका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम आगे लाल रंग की से देख सकते हैं, करीब बराबर दूरी पर ये इंटरफेरेंस की पट्टिकाएं हैं, और इसमें इंटेंसिटी सेंटर वाले की थोड़ा ज़्यादा है और बाकी की कम है. अगर मान लिया जाए स्लिट कम की जाए तो करीब करीब सारी पट्टिकाओं की इंटेंसिटी बराबर हो जाती है. इंटरफेरेंस प्रयोग में ये देखा कि अगर प्रकाश की तरंगदैर्ध्य या वेवलेंथ लैम्डा इसको चेंज किया जाए तो उससे फ्रिंज विड्थ या दो फ्रिंजों के बीच की दूरी बदलती है, और ये डिपेंड करती है डायरेक्टली वेवलेंथ ऑफ लाइट पर. इसका मतलब यह है कि नीली लाइट के लिए फ्रिंज विड्थ वो कम होगी, लाल लाइट के लिए फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगी. और दूसरा ये डिपेंड करती है अगर स्लिट के बीच की S1 और S2 स्लिट्स के बीच की अगर दूरी कम होगी तो फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगी, या फ्रिंज विड्थ उनके बीच की दूरी स्लिट्स के बीच की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी. इसमें ये देखा गया कि जो वाइट ब्राइट वर्टिकल रोज और बैंड्स appear on the screen separated by dark regions, that is as it is shown in the figure. Interference को समझाने के लिए हमें तरंग का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि जैसा हमने देखा था कि mechanical vibrations के केस में भी ये डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि मैकेनिकल वेव्स की मदद से इंटरफेरेंस होता है, उसी प्रकार प्रकाश में भी इंटरफेरेंस होता है. और इंटरफेरेंस को समझाया जा सकता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. जब दो वेव्स एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज होती हैं तो उनका जो रिजल्टेंट जो वेव मिलती है इनके सुपरपोजिशन से, उसको हम मैथमेटिकली समझ सकते हैं. माना दो वेव्स हैं हमारी, एक है y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी और दूसरी y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, जहाँ की साइन ओमेगा ये जो डेल्टा है इससे वो एक दूसरे से कला में कलांतर है दोनों के बीच में. तो जो उनकी रिजल्टेंट वेव जो होगी परिणामी वेव वो होगी y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा. अगर हम इसको दूसरे फॉर्म में अरेंज करें तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, अब जहां कि a स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा है, और tan फाई इज इक्वल टू a साइन डेल्टा अपॉन a1 प्लस a2 cos डेल्टा. तो
इस एक्सप्रेशन से हम देख सकते हैं कि इसकी जो इंटेंसिटी है, दो वेव्स अगर आपस में सुपरइम्पोज करती है तो परिणामी जो वेव होगी वो भी उसी फ्रीक्वेंसी की वेव होगी और इसका एक रिजल्टेंट फेज होगा फाई, ये रिजल्टेंट कला होगी जो कि इसको इस फॉर्मूला से मिल सकती है। अब हम इसमें देखें, अगर मान लिया जाए हम इसमें डेल्टा इज इक्वल टू जीरो है, मान इसका मतलब यह है कि दोनों एक ही कला में हैं, तो उस केस में ए वन ए स्क्वायर विल बी ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू, यानी कि ये होगा आई इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू होल स्क्वायर, और इस केस में इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दूसरे केस में अगर डेल्टा पाई के बराबर होगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर माइनस टू ए वन ए टू, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए वन माइनस ए टू होल स्क्वायर, विच इज द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो दो तरीके की कंडीशन मिलेंगी, या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यंग के एक्सपेरिमेंट में जहां हमें कलर सफेद पट्टी मिली या मतलब ब्राइट पट्टी मिली, तो वो केस है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, और जहां पर ये ए वन और ये एक दूसरे को काटती हैं वहां पर ये है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस। सो वी कैन कंक्लूड फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वेव्स आर इन फेज सो एट टू गिव डबल एम्पलीट्यूड वेव दैट इज लाइट एंड लाउड एंड रफ मैक्सिमम, दैट इज वी कैन नाउ सी इट। व्हेन द टू वेव्स, जब दो वेव्स एक ही फेज में है, माना कि दोनों का जो मैक्सिमा है और मिनिमा है वो एक दूसरे को सुपरपोज कर रहा है, तो उस केस में हम देखते हैं कि ये जो उनका रिजल्टेंट आएगा इसका आयाम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा कि एक दूसरे से एक का मैक्सिमा जहां पर है वहां पर दूसरे का मिनिमा पड़ रहा है, या एक का क्रेस्ट जो टॉप है वो पड़ रहा है दूसरे के ट्रफ पर, तो उस केस में जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा हमें ऑलमोस्ट जीरो मिलेगा, या हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा या कोई लाइट नहीं मिलेगी। दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमम। अब जो हमने यहां पर देखा कि ये हमें मैक्सिमा और मिनिमा अगर दो सोर्सेस को लें तो ये मैक्सिमा और मिनिमा दिखाई देते हैं, तो इनके बीच का सेपरेशन कितना है, इनको इसको निकालने के लिए हम यंग के एक्सपेरिमेंट को दोबारा देखते हैं। माना दो सोर्सेज एस और एस डैश हैं, और ये पर्दे से जो कि एक सोर्स एस से निकले हैं और इनके बीच की दूरी डी है, स्मॉल डी है, ये इनकी मदद से दीवार पर या पर्दे पर पी बिंदु पर कोई मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है जिसकी की दूरी सेंटर से एक्स के बराबर है। ये जो दूरी है ये जो कोण बनाती है स्लिट वो है माना थीटा कोण है, जो कि स्लिट के मध्य से जो कोण बन रहा है पी का वो थीटा कोण के बराबर है, थीटा के बराबर है। तो हम दूरी निकाल सकते हैं एस, हम देखते हैं कि एस वन और एस एस और एस डैश की पी बिंदु से दूरी बराबर नहीं है। एस पी बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ डी प्लस एक्स प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर, और एस डैश पी बराबर होगा डी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस डी बाई टू होल स्क्वायर,
So the difference SP minus SSP will be equal to the difference between these two. And now we take the condition D is greater than X as well as D. तो हम इसको जो है इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं x plus d by 2 divided this to the power half minus this d into 1 plus x minus d by 2 divided by d square to the power half. Now we can just approximate it that x plus d by 2 divided by d square to the power half, we can just write approximate it by x plus d by 2 divided by 1 plus x plus d by 2 divided by 2d, taking the first factor, and or I can say 1 plus y to the power n is equal to 1 plus nx. I can write down the expression as x minus d by 2 square minus x minus d by 2 whole square divided by 2d, and this is equal to 2xd by d or xd by x small d divided by capital D. Now for a bright fringe, the difference between the, as we have seen, that when they are in phase, they are जब वो फेज में कब होंगे, जब उनके बीच में पार्ट डिफरेंस या तो जीरो होगा या लैम्डा होगा या टू लैम्डा होगा या एन लैम्डा होगा. तो एस पी माइनस एस डैश पी इज इक्वल टू एम लैम्डा, दैट इज द कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज. और डार्क फ्रिंज के लिए एस पी माइनस एस डैश पी इज इक्वल टू टू एम प्लस वन लैम्डा बाई टू, जहां की एम जो है वो इंटीजर है. मतलब अगर उनके बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई टू का होगा या फेज डिफरेंस पाई का होगा, तो उस केस में हमें डार्क फ्रिंज मिलेगी. सो इस तरीके से हमें मैक्सिमा और मिनिमा मिलेंगे जो कि इन फॉर्मूला से दिए जा सकते हैं. तो फॉर ब्राइट फ्रिंजेज एक्स डी बाई डी इज इक्वल टू एन लैम्डा, एंड फॉर डार्क फ्रिंजेज एक्स डी बाई डी इज इक्वल टू एन प्लस वन लैम्डा बाई टू. द फ्रिंज विड्थ बिटवीन, दैट इज द विड्थ बिटवीन टू मैक्सिमा और टू मिनिमा, ये जो होगी हमें मिलेगी एक्स एन माइनस वन माइनस एक्स एन से, जो कि डी लैम्डा बाई स्मॉल टी के बराबर फ्रिंज विड्थ होगी. इंटेंसिटी मैक्सिमम, जैसा कि हमने पहले देखा, आई मैक्स इज इक्वल टू ए प्लस ए वन प्लस ए टू होल स्क्वायर, और आई मिनिमम इज इक्वल टू ए वन माइनस ए टू होल स्क्वायर. तो फ्रिंजेस की विजिबिलिटी, मतलब कितनी डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस हमें मिलती है, इसको हम इस फॉर्मूला से देख सकते हैं. विजिबिलिटी इज इक्वल टू आई मैक्स माइनस आई मिनिमम डिवाइडेड बाय आई मैक्स प्लस आई मिनिमम. और हम देखेंगे कि जितना ए वन और ए टू जितने बराबर होंगे, उतना ए वन और माइनस ए टू कम होगा, और विजिबिलिटी ऑफ द फ्रिंजेस उतनी ज्यादा बढ़ेगी. हमने ये यंग के एक्सपेरिमेंट में देखा कि प्रकाश को पहले एक स्लिट S से गुजारा गया, और उसके बाद उसको दो स्लिट्स S1 और S2 से गुजारा गया. अगर हम S स्लिट का इस्तेमाल न करें और प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को सीधे S1 और S2 स्लिट से गुजारा जाए, तो उस केस में हमें इंटरफेरेंस नहीं मिलता. कारण यह है कि हमें कोहरेंट सोर्सेज की जरूरत है. कोहरेंट सोर्सेज या कला संबद्ध संबद्ध स्रोत, कला संबद्ध संबद्ध स्रोत, कोहरेंट सोर्सेज, उन सोर्सेज को कहते हैं जिनके बीच में एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है. मतलब यह कलांतर जो होगा वो स्थिर होगा, ये समय के साथ नहीं बदलेगा. अब अगर हम माना दो अलग अलग स्रोत ले लें S1 और S2, तो दो अलग अलग स्रोत कला संबंध संबद्ध नहीं होते, वो कोहरेंट नहीं होते, क्योंकि उनके बीच में फेज डिफरेंस समय के साथ बदलता रहता है.
कलासम्मत स्रोत या कोहरेंट सोर्सेज बनाने के लिए हमें कुछ स्पेशल विधियों का की आवश्यकता होती है। और हर प्रत्येक बार यह कल ये हमें कोहरेंट सोर्सेज नहीं मिलते। इसका कारण यह है, माना मैं एक लैंप लूं या दो अलग अलग सोर्सेज, दो अलग अलग सोर्सेज में हम जानते हैं कि प्रकाश जो है वो इलेक्ट्रॉनों के जब वो एनर्जी को अवशोषित करते हैं या तब प्रकाश और उसके बाद उनका जो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं तब हमें प्रकाश मिलता है। जैसे कि एक एटम ने, एटम को जब हम ऊर्जा देते हैं तो एटम के इलेक्ट्रॉन्स निम्न स्तर से उच्च स्तर एक्साइटेड स्टेट को पहुंच जाते हैं। अब क्योंकि वो एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा देर तक रह नहीं सकते, इनका वहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में रहने का समय इस करीब करीब सेकंड के एक अरबवें हिस्से के बराबर होता है, तो उसके बाद ही वापस आ जाते हैं, अवधि पुनः उसी स्थिति में वापस आ जाते हैं। तो इसको कहते हैं हम लाइफ टाइम। तो हर एक, अगर हम मान लिया ये एक सोर्स जब प्रकाश उत्सर्जन करता है तो इस तरीके के करोड़ों अरबों या इससे भी ज़्यादा एटम एक साथ अलग अलग ये प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। अब इनमें इस का 10^-8 सेकंड में अगर हैं तो करीब करीब जो है एक सेकंड में 10^8 एटम उत्सर्जित करेंगे। उसका उल्टा मींस 10^-8 का उल्टा, और 10^8 एटम एक सेकंड में उत्सर्जित करेंगे। अब इनके इस बीच में जो समय अंतर होगा, इस समय अंतर के साथ ये जो सारे के सारे एटम हैं ये एक कला में या एक फेज में उत्सर्जित नहीं करते, तो ये अलग अलग फेज में उत्सर्जित करेंगे, तो इनके बीच में कलांतर हमेशा इनके बीच में कलांतर रहेगा और ये कलांतर बदलते रहेगा, क्योंकि कभी कोई एक सेट एटम्स का उत्सर्जित करेगा, कभी दूसरा सेट एटम्स का उत्सर्जित करेगा, तो जिसकी वजह से हमारा फेज चेंज होता रहेगा। अब माना कि हम प्रकाश, जैसे कि यंग के एक्सपेरिमेंट में प्रकाश को पहले एक स्लिट एस से गुजारा जाता है और उसके बाद जो प्रकाश स्लिट एस पर किसी समय पर पहुंच रहा है, क्योंकि एस वन और एस टू स्लिट एस से बराबर दूरी पर हैं, इसलिए जो फेज स्लिट एस पर होगा वो उसी बराबर समय में एस वन और एस टू पर रिपीट होगा। क्योंकि वही फेज रिपीट हो रहा है इसलिए जो भी चेंजेज S1 में आ रहे हैं वही चेंजेज S2 में आ रहे हैं, इसलिए इनके बीच में एक फेज, एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस रहेगा और ये सोर्सेज कोहेरेंट सोर्सेज का काम कर सकते हैं। तो दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज कभी भी इंटरफेरेंस को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हमें इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करने के लिए कोहेरेंट सोर्सेज की जरूरत पड़ती है। अब इन कोहरेंट सोर्सेज, दो कोहरेंट सोर्सेज की आवश्यकता पड़ेगी। इन कोहरेंट सोर्सेज को प्रोड्यूस करने की अलग अलग विधियां इस्तेमाल में की लाई जाती है। फॉर कोहरेंस द वेव्स मस्ट कम फ्रॉम द सेम पोजिशन ऑफ द लाइट सोर्स। तो इस विधि को, इसमें दो तरीके की विधियां होती है। एक तो होता है कि लाइट सोर्स के एक बहुत छोटे से हिस्से से प्रकाश को यूज किया जाए ताकि उनके बीच में समयांतर बहुत कम हो और जो भी डिस्टर्बेंसेज उस वेव फ्रंट में होंगे वो सारे के सारे कोहरेंट हैं। तो इसको कहते हैं हम डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट के लिए हमें बहुत सोर्स का बहुत नैरो हिस्सा देते हैं और नैरो हिस्सा भी इस लेने से बाद में इसको हम दोनों टाइप में
डिवाइड करते हैं। डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट को समझाने के लिए मुझे थोड़ा फिर वापस जाना पड़ेगा। माना एस स्लिट से पर कोई एक नैरो सोर्स की तरीके से काम कर रहा है और ये जो है समय के साथ साथ आगे बढ़ रहा है, तो हम देखेंगे इसमें कि अगर मान लिया जाए हम लैम्डा बाई टू लंबाई का के आर्क खींचे तो हमें हम सेमी सर्कल्स मिलेंगे जो कि समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पहले लैम्डा बाई टू, फिर उसके बाद लैम्डा डिस्टेंस पर थ्री लैम्डा बाई टू और इस तरीके से। तो हम देखेंगे किसी निश्चित समय में सारे वेव फ्रंट के जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे एक फेज में हैं और इनमें इनको हम देखेंगे कि ये एस पॉइंट्स पर स्लिट पर या और एस डैश स्लिट पर दोनों एक ही फेज में पहुंचेंगे। अब क्योंकि ये एक ही फेज में है इसलिए दोनों सोर्सेज कोहेरेंट सोर्स का काम करेंगे और इनके बीच में व्यतिकरण उत्पन्न होगा। अब इसके लिए हम अलग अलग विधियों का इस्तेमाल करते हैं। पहला उपकरण इसमें जो इस्तेमाल किया जाता था वो है फ्रेनेल डबल मिरर, फ्रेनेल के क्योंकि फ्रेनेल ने इसको इन्वेंट किया था। इसमें प्रकाश एक सोर्स एस से गुजारा जाता है दो जो मिरर्स पर, एक मिरर है एस वन ने जिससे पी वन और दूसरा मिरर है पी टू, ये दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा एंगल पर स्थित है जो कि एंगल थीटा के बराबर होगा। अब पी वन से जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो हम देखेंगे कोन में नीचे वाले हिस्से में जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो पी वन से हो रही है और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, और जो लाइट पी टू से रिफ्लेक्ट हो रही है वो ऊपर की तरफ है। तो बीच का रीजन जो है ज्योमेट्रिकल शैडो है जो कि पी वन और पी टू के रिफ्लेक्शन से बन रहा है। इस ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में हम देखेंगे कि दोनों सोर्सेज के हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं दो सोर्सेज के रूप में, एक एस और एस डैश और एस टू डैश, मतलब जो प्रकाश हमें इसके पर्दे पर आता दिखाई देगा वो दो वर्चुअल सोर्सेज एस और एस डैश से आता दिखाई देगा, क्योंकि प्रकाश सिर्फ एक ही स्रोत एस से निकल रहा है जो कि कोहेरेंट है, इसलिए एस और एस डैश दोनों कोहेरेंट होंगे और सामने के पर्दे पर हमें व्यतिकरण पैटर्न प्रतिरूप दिखाई देगा। इसी प्रकार दूसरा वाला है, दूसरा केस है लॉयड सिंगल मिरर का। सिंगल मिरर में एक ही मिरर की मदद से हम इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर माना कि लाइट एक सोर्स एस से इंसिडेंट हो रही है और ये ए टू बी एक मिरर है इस मिरर पर, तो जो लाइट ए पर पड़ेगी क्योंकि वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से वो क्यू की तरफ जाएगी, और जो लाइट बी पर पड़ेगी वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ओ पर जाएगी, और जो सेंट्रल लाइट है वो पी पर जाएगी। अब पी पर हम देखते हैं कि एक तो वो लाइट है जो डायरेक्ट लाइट पड़ रही है पहुंच रही है एस से, और एक लाइट ये है जो ए पॉइंट से या पी पॉइंट से ए पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके पी पर मिरर से रिफ्लेक्ट होके पी पर पड़ रही है। इन दोनों को मैं देखें तो पी पॉइंट पर इनसे जो चली गई दूरी है वो दूरियां अलग अलग है, इसलिए एस सोर्स तक अगर लाइट एक ही कोहरेंट थी तो इन दो कोहरेंट सोर्सेज के बीच में एक पार्ट डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है, और ये पार्ट डिफरेंस जो होगा वो बराबर, अगर हम माना क्योंकि ये इसकी जो इमेज बनेगी ये हम ऐसे समझा सकते हैं कि
सोर्स एस डैश सोर्स से, जो एक वर्चुअल सोर्स एस डैश से पी पर पहुंच रही है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि पी बिंदु में जो पार्ट डिफरेंस होगा वहां पर हमें व्यतिकरण पैटर्न मिलेगा। ये पार्ट डिफरेंस अगर एन लैम्डा के बराबर होगा तो हमें मैक्सिमम मिलेगा, और 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 के बराबर होगा तो इस केस में मिनिमम मिलेगा। तीसरा जो सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है वह है फ्रेनेल बाइप्रिज्म। बाइप्रिज्म जैसा कि इसका नाम बताता है, ये दो प्रिज्मों से बना है। एक्चुअली दो प्रिज्मों से बनाने के बदले एक हम ग्लास प्लेट लेते हैं या कोई लेंस लेते हैं, क्योंकि लेंस कॉन्वेक्स लेंस तो जिसका कि बीच का हिस्सा मोटा होता है, इसको इस ग्लास लेंस को घिस के इसको इस तरीके से यूज करते हैं कि ये प्रिज्मेटिक शेप में आ जाए और हमें इसको दो प्रिज्म के फॉर्म में मिल जाए, जिसकी वजह से इसे बाइप्रिज्म कहते हैं। बाइप्रिज्म का जो एंगल ऑफ द प्रिज्म होता है, जो टॉप प्रिज्म टॉप का जो एंगल होता है वो बहुत कम होता है, नॉर्मली 1 डिग्री या इससे कम। और इसको हम लाइट के सामने या स्लेट के सामने माउंट करते हैं। एक बाइप्रिज्म को माउंट करने के लिए सबसे पहले ये एक हमारे पास ऑप्टिकल बेंच है और इसमें एक सोर्स ऑफ लाइट है जो कि नॉर्मली हम सोडियम लाइट या सोडियम लैंप होता है। इसके सामने एक स्लिट लगी है और स्लिट की चौड़ाई एक माइक्रोमीटर स्क्रू की मदद से कम या ज्यादा की जा सकती है। इसके लाइट इसकी मदद से फिर एक बाइप्रिज्म इस लाइट को पहले एक एपर्चर से गुजारा जाता है ताकि एक छोटे से हिस्से की लाइट ही हमें बाइप्रिज्म पर पड़े। फिर एक बाइप्रिज्म है, बाइप्रिज्म में को स्क्रूज की मदद से इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि ये बिल्कुल स्लिट के पैरेलल रहे, मतलब मींस अगर स्लिट वर्टिकल है तो बाइप्रिज्म को भी पैरेलल रखना पड़ेगा। इसके बाद एक लेंस यूज किया जाता है, सामान्यतः लेंस यूज नहीं किया जाता, जब हमें स्लिट्स की इमेज बनानी होती है तभी लेंस को यूज करते हैं, वरना लेंस का यूज नहीं किया जाता। और इसके बाद अंत में एक आईपीस होता है, इस आईपीस को और बाइप्रिज्म को हम लेटरली मतलब ऑप्टिकल बेंच के परपेंडिकुलर भी मूव कर सकते हैं ताकि जो हमें फ्रिंजेस मिलेंगी उनकी अलग अलग उनकी पोजीशंस क्या की जा सके। अब इसकी कार्यविधि इस प्रकार है, स्लिट से पड़ने वाला प्रकाश, एस से पड़ने वाला प्रकाश जब बाइप्रिज्म पर पड़ता है तो जो बाइप्रिज्म के सेंटर पर जहां पर कि बाइप्रिज्म के दोनों बाइप्रिज्म दोनों प्रिज्म एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, या जो बाइप्रिज्म का जो बड़ा कोण बृहद कोण बनाता है वहां पर जब जो लाइट पड़ती है, जो लोअर प्रिज्म पर पड़ती है वो क्योंकि नॉर्मल लाइट जब बाइप्रिज्म पर पड़ेगी तो नॉर्मल की तरफ को बेंड होगी क्योंकि उसका मीडियम बाइप्रिज्म का ग्लास है तो हायर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का मीडियम है तो वो एम की तरफ को जाएगी। इसी प्रकार जो अपर फेस पर पड़ेगी वो आर की तरफ को जाएगी। जो एस से जो प्रकाश बाइप्रिज्म के करीब बीच के हिस्से में पड़ता है, दोनों बीच के हिस्सों में पड़ता है, वो भी नॉर्मल की तरफ बेंड होके एक जैसे ओ की तरफ को जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि जो बीच का हिस्सा है इसमें दोनों तरफ का प्रकाश ओवरलैप करता है,
तो जो ओवरलैपिंग रीजन होगा वहां पर जो लाइट पड़ रही है वो हमें बैटरी के बीच के हिस्से से और लोअर हिस्से से आती दिखाई देगी, क्योंकि अगर हम इसको आगे देखें तो ये आगे कहीं नहीं मिलती। इसको हम बैकवर्ड ले जाएं तो हमें ये लाइट जो आती है ये दो स्लिट्स से आती हुई दिखाई देगी, S1 और S2। तो इस प्रकार हमने S स्लिट्स को दो वर्चुअल स्लिट्स में डिवाइड कर दिया है, S1 और S2। हालांकि वो वर्चुअल है बट कंसेप्चुअली अगर हम देखें तो लाइट ये अपीयर करेगी कि ये S1 और S2 से आती दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार हमें कोहेरेंट सोर्सेज S1 और S2 मिल जाते हैं, क्योंकि ये एक ही सोर्स S से डिराइव किए गए हैं। तो हमें जो ओवरलैपिंग रीजन है यहां पर इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि S2 और S2 से जो और S1 से जो लाइट किसी पॉइंट P पर या O पर पड़ रही है उनके बीच में एक पार्ट डिफरेंस प्रोड्यूस होगा। बाइफ्रेंस के एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले इस्तेमाल किया गया प्रकाश की तरंग दैर्ध्य नापने के लिए। जैसे मैंने कहा कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य नापने के को हम सामान्य रूप से नहीं नाप सकते, इसके लिए हमें प्राकाशिक उपकरणों की आवश्यकता होती है और तरंग दैर्ध्य नापने का कोई और तरीका भी नहीं हो सकता। तो इसलिए ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट था प्रकाश की तरंग दैर्ध्य नापने के लिए। कहने को तो हम कह देते हैं कि लाल रंग का तरंग की तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है या 600 नैनोमीटर है, नीले रंग की 400 नैनोमीटर है, पता कैसे चला। तो ये इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स की मदद से सबसे पहले तरंग दैर्ध्य नापी गई, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब तरंग दैर्ध्य नापने के लिए हमें जो फ्रिंज की विड्थ नापनी पड़ती है, हम जो आईपीस है आईपीस के जो माइक्रोमीटर स्क्रू है उसको अलग अलग फ्रिंजेस पर फोकस करते हैं और जितना वो लेटरल मूवमेंट उनके बीच में आईपीस की पोजीशंस के बीच में होगा उसको नाप सकते हैं। ये फ्रिंज विड्थ होती है W=dλ/d। तो इससे हम लैम्डा ज्ञात कर सकते हैं, λ=dW/D। अब क्योंकि हम इस एक्सपेरिमेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है स्मॉल डी का मेजरमेंट, क्योंकि दोनों स्लिट्स एक दूसरे के बहुत नजदीक बनती हैं, इसलिए स्मॉल डी को नापना उतना आसान नहीं होता जितना कि कैपिटल डी को नापना होता है, क्योंकि कैपिटल डी जो है ये करीब करीब मीटर के ऑर्डर का होता है, इसको डायरेक्टली मीटर स्केल से नाप सकते हैं। स्मॉल डी नापने के लिए हम दो विधियों का इस्तेमाल करते हैं, एक तो एंगल ऑफ द प्रिज्म। एंगल ऑफ द प्रिज्म हम जानते हैं कि एक प्रिज्म के रिफ्लेक्शन के लिए फॉर्मूला होता है μ=sin A+d/a+delta/2/sin A/2। तो इसकी मदद से हम अगर जहां पर a जो है या a या हम इसको अल्फा कहें, अल्फा प्रिज्म का कोण है, तो साइन अल्फा प्लस डेल्टा बाई टू डिवाइडेड बाई साइन अल्फा बाई टू। तो इसको हम सॉल्व करें तो हमें d बराबर मिलेगा μ-1 into a into अल्फा, जहां की a जो है वो स्लिट तथा बाइप्रिज्म के बीच की दूरी है और कैपिटल डी स्लिट तथा पर्दे के बीच की दूरी है या आईपीस के बीच की दूरी है। तो इस फॉर्मूला की मदद से हम स्मॉल डी को मेजर कर सकते हैं। दूसरी मेथड है ग्लेसब्रुक मेथड। इस मेथड में एक लेंस लिया जाता है जिसके कि जो ये दूरी है स्लिट तथा आईपीस के दूरी
ये लेंस के चौगुनी से ज्यादा दूरी है, तब हम देखते हैं कि इसमें दो स्लिट्स पर इमेजेस बनेंगी। अगर लेंस मान लिया इस तरीके से हो जैसा चित्र में दिखाया गया है कि इसकी स्लिट से बीच से दूरी U है तथा आईपीस से दूरी V है, तो एक इमेज हमारी बनेगी जो कि वो जो फॉर्मूला लेंस का होता है 1/V - 1/U = 1/F से, तो ये फोकस होंगे आईपीस पर। अगर हम इंटरचेंज कर दें मतलब U को V बना दें और V बराबर U कर दें तब भी हमें इमेज मिलेगी, और उस केस में जो होगी ये डिस्टेंस से इंटरचेंज हो जाएगी, V U से इंटरचेंज हो जाएगा और U V से इंटरचेंज हो जाएगा। इसी प्रकार मैग्नीफिकेशन पहले केस में U अपॉन V होगा तो दूसरे केस में मैग्नीफिकेशन V अपॉन U होगा। तो V अपॉन U मल्टीप्लाइड बाई U अपॉन V दिस इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नीफिकेशन। द पहले केस में मैग्नीफिकेशन होगा डी वन अपॉन डी, अगर डी एक्चुअल डिस्टेंस है और स्लिट के बीच की दूरी है, और डी वन जो है वो मैग्नीफाइड पोजिशन के बीच की दूरी है जिसे हम आईपीएस की मदद से मेजर कर सकते हैं, तो ये वी अपॉन यू होगी। दूसरे केस में अगर डी टू है तो ये होगी यू अपॉन वी के बराबर। तो हमें इस फॉर्मूला से रूट डी वन डी टू इज इक्वल टू डी से हम दो स्लिट्स के बीच की दूरी को नाप सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं फ्रेनेलस बाइप्रिज्म एक काफी महत्वपूर्ण और उपयोगी उपकरण है जिसकी मदद से हम वेलोसिटी ऑफ लाइट नाप सकते हैं। दूसरा उपयोग बाइप्रिज्म का, हम बहुत पतली फिल्मों की चौड़ाई नापने में इस्तेमाल करते हैं। पतली फिल्म से मेरा मतलब है जो कि मिलीमीटर से भी पतली फिल्म है और जिनकी मोटाई सामान्यतः स्क्रू गेज या स्पेरोमीटर जैसे मैकेनिकल उपकरणों से नहीं नापी जा सकती, क्योंकि हम जानते हैं कि लाइट प्रकाश की तरंग दैर्ध्य करीब करीब 10^-5 सेंटीमीटर या 10^-7 मीटर के ऑर्डर की होती है। तो प्रकाश का इस्तेमाल और यूज अगर हम करें तो हम इस ऑर्डर की दूरियां नाप सकते हैं, क्योंकि हमारा जो इसके पैमाना होगा इसकी इस पैमाने की जो माप होगी वो 10^-5 मीटर 5 सेंटीमीटर या 10^-7 मीटर होगी। तो क्योंकि हम यहां पर प्रकाश का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम इस ऑर्डर की मोटाई नाप सकते हैं। माना कि एक फ्रेनेलस बाइप्रिज्म को हम व्हाइट लाइट सोर्स में यूज करें, मतलब जो हमारा सोर्स है वो मोनोक्रोमेटिक एक वर्णी सोर्स ना होके एक हम व्हाइट लाइट का इस्तेमाल करें। तो व्हाइट लाइट के केस में क्या होगा, क्योंकि हमने जैसे ये कहा था कि मैक्सिमा के लिए हमारे पास क्या है dx अपॉन d इज इक्वल टू n लैम्डा, मैक्सिमा के लिए। तो हम देखते हैं कि अलग अलग कलर्स के लिए मैक्सिमा अलग अलग होगा, जगह पर होगा, लेकिन व्हाइट लाइट अगर हम यूज करेंगे तो क्योंकि S1O और S2O ये बराबर होगा इसलिए इनके बीच में कोई पार्ट डिफरेंस नहीं होगा और दोनों लाइट एक ही कला में S1 और S2 से O बिंदु पर पहुंचेंगी, इसलिए हर एक के लिए मैक्सिमा इस बिंदु पर कोई पार्ट डिफरेंस न होने से O बिंदु पर सब कलर्स का मैक्सिमा होगा। तो सब कलर्स का मैक्सिमा क्योंकि O पॉइंट पर होगा इसलिए O पॉइंट व्हाइट रहेगा या O पर जो फ्रिंज बनेगी
जब मिडिल पॉइंट पर वो व्हाइट हो। अगर इसलिए चाहे बाकी फ्रिंजेज ये कलर्ड भी हो, लेकिन ओ पर जो फ्रिंज होगी इसको ये व्हाइट ही होगी और इसको साफ पहचाना जा सकता है। इसको कहते हैं सेंट्रल फ्रिंज। तो एक सेंट्रल फ्रिंज हमेशा व्हाइट होगी। अब मान लिया जाए कि एक टी थिकनेस की कोई थिन फिल्म बायप्रिज्म में किसी भी S1 या S2 के पाथ में इंसर्ट की जाए, तो हम देखेंगे कि जो लाइट है वो टी थिकनेस जो होगी वो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के माध्यम से गुजरेगी, और क्योंकि इसकी वेलोसिटी म्यू इंडेक्स में के माध्यम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के माध्यम में कम होगी, इसलिए ये किसी बिंदु पर जो है वो अब दूसरे फेज में पहुंचेगी। या हम ये कह सकते हैं कि जो पाथ डिफरेंस है इनके बीच में, अगर ओ पॉइंट पर आती है तो पहले जो पाथ डिफरेंस 0 था अब उनके बीच में पाथ डिफरेंस आ जाएगा। तो ओ पॉइंट अब सेंट्रल फ्रिंज नहीं रहेगी तो ये कलर्ड होगी, जबकि कोई और फ्रिंज सपोज ओ से एक्स के बीच में जहां पर कि इन दोनों के बीच में जो ऑप्टिकल पाथ है वो ऑप्टिकल पाथ बराबर होगा वो फ्रिंज व्हाइट होगी। तो इनके बीच में एक शिफ्ट आ जाएगा। मान लीजिए ये शिफ्ट एक्स के बराबर आ रहा है तो हम इस शिफ्ट को मेजर करके आईपीस की डिफरेंट पोजीशंस की मदद से इस शिफ्ट को मेजर किया जा सकता है, और इस शिफ्ट को मेजर करके हम एक्स इस फॉर्मूला से कि शिफ्ट बराबर होगा बीटा, जहाँ की बीटा फ्रिंज विड्थ डब्ल्यू है किसी भी कलर लाइट के लिए, और उस कलर की अगर वेवलेंथ लैम्डा है, यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और टी थिकनेस है, तो हम टी मेजर कर सकते हैं। अगर थिकनेस मालूम है तो हम इसकी इस विधि से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम कर सकते हैं।